श्रीदेवी, उनके पति और बेटियों को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या किसी ने उनके माँ बाप और बहन को देखा है? नहीं तो यहाँ क्लिक करके देखिए तस्वीरों में। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को शिवकाशी तमिलनाडु में हुआ था। उनका बचपन का नाम श्री अमायंगर अयप्पन था। उनके पिता अयप्पन एक वकील थे। उनकी माँ का नाम राजेश्वरी था और आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। उनकी एक बहन श्रीलता और दो सौतेले भाई आनंद और सतीश हैं। श्रीदेवी कभी स्कूल नहीं गईं, इसका उन्हें सारी जिंदगी मलाल रहा। इसलिए वे चाहती थीं कि उनकी दोनों बेटियां फिल्मों में आने से पहले पढ़ाई पूरी करें। उन्हें तमिल और तेलुगु का बहुत अच्छा ज्ञान था। वे जितनी अच्छी हिंदी बोलती थीं, उससे कहीं ज्यादा अच्छी उनकी इंग्लिश थी। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बत और बाल कलाकार की थी। उनकी पहली फिल्म बत और बाल कलाकार थुनविन थी। नन्ही श्रीदेवी को मलयालम फिल्म पूम्बत्ता 1971 के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने इस दौरान कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। 2013 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हैं। अपनी फिल्मों में अपने बेहतरीन डांस और अदाओं से दर्शकों के दिलो दिमाग पर जादू कर देने वाली इस अदकारा ने मवाली, तोहफा, मिस्टर इंडिया, हिम्मत वाला, खुदा गवाह, चालबाज, नगीना और लम्हे जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। श्रीदेवी ने अपने कैरियर की शुरुआत 1979 में फिल्म 16वां सावन से की थी, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म हिम्मत वाला से मिली। इस फिल्म के बाद वह हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार हो गईं। अनिल कपूर के साथ वे साल 1987 में फिल्म मिस्टर इंडिया में नजर आईं, जो बहुत ही सक्सेसफुल रही। इसके बाद 1989 में वे चालबाज फिल्म में नजर आईं, जो 80 के दशक की आइकॉनिक फिल्मों में से एक थी। इसी बीच उन्होंने शादी कर ली और फिल्मों से ब्रेक ले लिया। करीब 15 वर्ष गुजर जाने के बाद वे एक बार फिर से श्रीदेवी पर्दे पर फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में नजर आईं, जो 2012 में आई। श्रीदेवी की आखिरी मूवी मॉम थी, जिसमें उनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए। श्रीदेवी ने फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से साल 1996 में शादी की थी, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हुईं, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। जाह्नवी का जन्म साल 1997 में हुआ था। जाह्नवी के बाद दूसरी बेटी साल 2000 में हुई। दोनों ने उसका नाम खुशी रखा।